हाँ देखो, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता, देखो मतलब मैं यहां से खींच रहा हूँ, ठीक है, और आप यहां से खींच रहे हो, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया 50 न्यूटन का फोर्स और आपने अप्लाई किया 20 न्यूटन का फोर्स, मतलब जाहिर सी बात है मेरा फोर्स आपसे ज्यादा है क्योंकि मेरा 50 है और आपका 20 है, ठीक है। तो ये 50 हो गया और आपने अप्लाई किया 20, ठीक है। तो मतलब जो भी ये ऑब्जेक्ट जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ज्यादा फोर्स, तो कहाँ की तरफ जाएगा? मैं ऑफ कोर्स मेरी तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहां से, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है वो मेरी तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब मैंने जहां पे फोर्स अप्लाई किया वहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूँ। मतलब कौन सा वाला कर रहा हूँ? पहले वाला कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कौन सा वर्क डन हो रहा है? पहले वाला हो रहा है, क्योंकि मैं जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वहां पे ये खींचना शुरू हुआ, ठीक है। अब आपकी साइड से क्या होगा, देखो बताता हूँ मैं। आपने अप्लाई किया यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स, क्या अप्लाई किया? 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब आपने 20 न्यूटन अप्लाई किया, मैंने 50 किया, मतलब जाहिर सी बात है मेरे ये तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई करो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ये साइड पे हो रहा है। तो आपके लिए क्या हो गया? उल्टा हो गया। आपने फोर्स ये साइड पे अप्लाई किया और आपके लिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ये साइड पे हो रहा है, राइट। तो मतलब आपके लिए कौन सा वाला एंगल ऑफ वर्क होगा? आपके लिए होगा 180 डिग्री बनता है, समझ में आया, ठीक है। इसको और एक बेस्ट वे एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मैं देखो एकदम सिंपल बताता हूँ, एकदम सिंपल बताता हूँ, एकदम दिमाग लगाओ, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये पेन लिया मैंने, ठीक है, फाइन। अब ग्रेविटेशन कैसा है? ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? नीचे की तरफ है। देखो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसको लूंगा और ऊपर उठाऊंगा मैं, समझा? तो मतलब ये ऊपर गया, मेरा ग्रेविटेशन फोर्स कैसा? देखो फिर मेरा ग्रेविटेशन फोर्स कैसा? ऐसा है। और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। देखो ये फोर्स नीचे, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर। देखो डिस्टेंस कहाँ का हो रहा है? ऊपर। देखो एक दूसरे को क्या, ये 180 डिग्री हो गया। देखो फोर्स यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब बॉडी को जब तुम ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो तुम्हारा एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है, ठीक है। आप सबको समझ में आया? एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि सपोज क्रिकेट में जब कैच होता है, कैच जब आता है गाइस, ठीक है, तो मतलब बॉल ऊपर से आता है, राइट। तो मतलब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ मैं। तो ऐसा हाथ है किसी का, बहुत ज्यादा हो गई उंगली, तो एक सेकेंड ना, 1 2 3 4 5, ओके फाइन। आप सुनो, मुझे होता मेरी अच्छी डायग्राम है बट फिर भी ओके। यहाँ पे देखो जब बॉल यहां से गिरेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स कहां की तरफ होगा? देखो ऐसे नीचे की तरफ होगा, राइट, फाइन। तो मतलब इस वक्त पे भी जब बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकना शुरू करता हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ अगर फेंका मैंने बॉल, ग्रेविटेशन फोर्स कहां की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। मतलब ये आपका एंगल क्या बनता है? आपका एंगल बनता है 180 डिग्री का, आपका एंगल बनता है, ठीक है। तो इस वजह से इस वक्त पे आपका फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट जब 180 डिग्री हो जाता है, उस वक्त पे क्या होता है? देखो तो मतलब उस वक्त पे cos 180 डिग्री होता है -1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो वर्क इक्वल्स टू एफ एस इंटू कॉस 180, दैट इज नथिंग बट एफ एस इक्वल्स टू -1 आता है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो माइनस एफ एस मतलब मेरा नेगेटिव वर्क डन हुआ है। देखो यहाँ पे ये मेरा हुआ है नेगेटिव वर्क डन हुआ है। देखो ये पॉजिटिव वर्क डन, ये क्या हुआ? नेगेटिव वर्क डन हुआ, ठीक है। अब जीरो वर्क डन, आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी गाइस, एकदम सिंपल लॉजिक है। जैसे मैंने कल ही तुम लोगों को बताया था मैंने, देखो ये आपका मान लो फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, एंगल आपने बना दिया 90 डिग्री का, तो आपका थीटा हो गया 90 डिग्री, तो आपका कॉस 90 होता है 0, जो मैंने तो यहाँ पे लिख के दिया है। आपका वर्क मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। तो देखो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया मैंने, ठीक है। आप जब सेम डायरेक्शन, देखो बहुत सिंपल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो एंगल बनेगा 0, मतलब आपका आएगा पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। जहां पे फोर्स अप्लाई किया वहां पे डिस्टेंस। जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ऊपर, तो आपको ना अगर कंफ्यूजन होता है ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, सोच लो, दिमाग में डाल दो फटाक से। ग्रेविटी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट थ्रो किया ऊपर, दोनों बने 180 डिग्री, तो मतलब यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। जीरो वर्क डन आपका क्या है? थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब
90 डिग्री बनते हैं तो हमारा वर्क डन क्या होता है, मैंने जीरो तो होता है, बटर खाया है। ठीक है। ओके मुझे बताओ क्या गाइस सब लोगों को समझ में आया है ये? तो हाँ श्लोका बोलो। सर नेगेटिव वर्क डन के लिए फ्लाइंग काइट एग्जांपल हो सकता है ना? फ्लाइंग काइट, देखो एक फ्लाइंग, हाँ फ्लाइंग काइट राइट, ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर है अगर वो, करेक्ट, वो भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके सर। हाँ ओके गाइस, तो क्या आप सब लोग को समझ में आया है? तो आप स्क्रीन पे एकदम अच्छे से थम्स अप कर दो, ठीक है, फटाफट 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 कर दो गाइस, समझ में आया है तो ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ग्रेट, ओके नाइस, ओके वेरी गुड। तो गाइस अभी आप सब लोग अच्छे से पुटअप कर लोगे, मैं आप आई थिंक इसके तो बहुत एग्जांपल हो गए, मैं ना आपको यहाँ पे एक इधर एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं इसके लिए, हाँ मतलब स्पेशली इसके लिए लिख देता हूँ मैं आपको, सो दैट अगर सपोज आपको कुछ मिस हो गया होगा, मतलब याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बॉडी थ्रोन अप एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपका एग्जाम्पल आ गया है सिंपल सा, ठीक है, किसके लिए है आपका? नेगेटिव वर्क डन के लिए, ठीक है। चलो गाइस फटाफट ये अच्छे से बुक में लिख लो, ठीक है, फिर एक मैक्सिमम मिनिमम वर्क कब होता है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे आप सब लोगों को, फिर आज जाएंगे पावर पे और फिर कुछ और बहुत छोटा टॉपिक है, फटाक से हो जाएगा, तो टाइम लगने वाला नहीं है, और फिर उसके साम्स देखेंगे पावर के, फिर मैं आपको दूंगा सॉल्व करने, ठीक है, चलो मेक इट फास्ट गाइस। ओके क्या सबका हो गया लिख के? ओके तो जाए आगे, फाइन लेट्स गो गाइस, कोई लिख नहीं रहा है ना अभी तक, कोई भी लिख रहा होगा तो हैंड रेज कर सकता है गाइस, मैं रुक जाऊंगा कोई भी लिख रहा होगा तो, ओके ठीक है चलो वेरी गुड। तो अब जाते हैं इसके लास्ट टॉपिक के पास, देखो गाइस वर्क में आज से मतलब कल से अगर आप चेक करोगे तो हम बार 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 रिपीटेड वही चीजें देख रहे हैं यहाँ पे घुमा फिरा के,
उसमें सिर्फ क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़े 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 बदल रहे हैं आपके, देखो ठीक है। मेन है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, आप अगर अपने टेक्स्ट बुक भी ओपन करोगे, टेक्स्ट बुक खोलो सिर्फ एक बार, जो मैंने पढ़ा है ना अभी फिलहाल वर्क के बारे में, हाँ वर्क पढ़ा है मैंने अच्छे से, तो घर घर पे क्या करना है, टेक्स्ट बुक ओपन करने गए और वर्क का जो मैंने पढ़ा है, आप एक बार टॉपिक को स्टार्टिंग के हेडलाइन भी देखोगे, रीड करो, आपको समझ आएगा टॉपिक क्या है और किसके बारे में। अगर आपको वो टॉपिक का हेडलाइन पढ़ते आपको अगर समझ में आ गया है तो आपका काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबसे बेस्ट है, मतलब अगर आपको टॉपिक रीड करते समझ में आ गया कंटेंट क्या है, तो फिर मतलब आपको तो फिर पूरा टॉपिक ही समझ में आ गया है, ठीक है, फाइन। सो लेट्स बिगिन विद दिस गाइस, नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो ये टॉपिक भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से कभी कभी एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं हमें, और हम थोड़े कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या है क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है कि वर्क कब कब वर्क मैक्सिमम हो सकता है और कब वर्क मिनिमम हो सकता है। गाइस इसके आंसर ना आपको सबको पता ही, सबको पता है, मैं आपको बताऊंगा, आप बोलेगा ये तो पढ़ा है हमें पता है ये। तो इम्पोर्टेंट क्या है, एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपको कैसे घुमा फिरा क्वेश्चंस देते हैं वो, ठीक है। तो मैं आपको जो लिख के दे रहा हूँ अभी फिलहाल, जो भी आप बुक के अंदर नोट कर रहे हो, वो अच्छे से प्रॉपरली राइटिंग के साथ उसको प्लेस करो। गाइस मैं आपको बता दूं, आपको कोई नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको अच्छे से मेंटेन रखो, बस दैट्स इट, ठीक है, फाइन। देखो मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, देखो अभी तो तुम लोगों को पता, तुम थोड़े एक्सपर्ट हो गए, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क कब होता है गाइस, देखो सिंपल सा लॉजिक आप भी जस्ट पढ़ चुके हो, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप सब लोगों को, जब आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दे कब मैक्सिमम वर्क होगा। तो गाइस मैक्सिमम वर्क सिंपल है, जहां पे फोर्स आपने अप्लाई किया है और वहां पे जब आपका डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उस वक्त पे वो एंगल बनाता है जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब आपका वर्क होता है F into S into cos 0, cos 0 के बाद सबको पता है 1 होता है, मतलब वर्क इक्वल्स टू ए पॉजिटिव आता है इस वक्त पे, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वर्क डन। देखो कितना सिंपल, वही पढ़ चुके हो तुम, क्वेश्चन तो कैसे डाल रहे हो, ठीक है, फाइन। अभी एक होता है मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन मतलब होता है उसका जीरो होना। अब आपको पता है जीरो कब होता है, यहाँ पे आ जाता है फोर्स, ठीक है, यहाँ पे आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल्स टू बनता है 90 डिग्री, तो सबको पता है कॉस 90 आपका आता है जीरो, तो सीधी बात है वर्क आपका आ जाएगा जीरो, मतलब वर्क आपका क्या हो गया है मिनिमम, सिंपल, ठीक है। तो घुमा फिरा कर देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और कुछ डिफरेंट नहीं पूछा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अच्छा ठीक है फटाफट लिख लो गाइस, फिर हम क्या करेंगे पता है क्या, वर्क में जो पढ़े है ना, तो ऐसे फट 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 क्या क्या हमने समरी पढ़े फटाफट गो थ्रू कर लेंगे, एंड देन फिर हम पावर की तरफ जाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो ऐसे फटाफट से लिख लो तुम्हारी बुक में, फिर आगे जाते हैं।
सर हो गया। प्रशांत सर, हाँ गाइस 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, सिर्फ 2 मिनट रुको। अच्छा गाइस चलो लेट्स गो। ओके अभी आप सब लोगों को वर्क तो बहुत ही क्लियर हो गया अच्छे से, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फटाफट से समरी कर लेंगे इसकी, ठीक है, ताकि सब लोगों को याद आ गया लिखने की जरूरत, समरी करने में फटाफट। ठीक है, तो वर्क में देखो हमारे पास ये चैप्टर में 3 टॉपिक है। हम यहाँ पे एक माउंटेन बना लेते हैं, माउंटेन अच्छे से एक माउंटेन बनाते हैं, ठीक है। तो माउंटेन में फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो नीचे शुरुआत होगी, वो आपका है वर्क। सेकंड स्टेप है जो आपका है पावर, ठीक है, और लास्ट स्टेप जो है वो आपकी है एनर्जी, ठीक है। तो इसमें से हमने ये तो फर्स्ट स्टेप ले ही लिया है, अब हमें पावर की तरफ जाना है। बट वर्क के लिए जाने से पहले, पावर पे जाने से पहले गाइस, हम सबसे पहले फटाफट से इसको क्लियर आउट कर लेते हैं, ठीक है। फाइन, अब देखो यहाँ पे वर्क में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे फर्स्ट वर्क में हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारा फॉर्मूला वर्क का होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, हमारा मेन फॉर्मूला है। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आती है, जीरो। जीरो कब होता है, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के साथ डिरेक्शन में और फोर्स वहां पे एग्जैक्टली सेम जगह पे होता, ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क डन बोलते हैं। देखो इसमें सारी चीजें आ गई। थर्ड आपके पास क्या पड़ा था, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, आपका एग्जिस्ट होता है जब आपका मान लो फोर्स यहाँ पे है और डिस्टेंस यहाँ पे उसका एंगल का पीछे का 180 बनता है, सो थीटा इक्वल्स टू 180 बनेगा, तो आपका वर्क भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फोर्थ वन, जीरो वर्क डन कब होता है, जब आपका फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री बनाता है, तो आपका जीरो वर्क डन हो जाता है, ठीक है। इसमें थीटा की वैल्यू बनती है 90 डिग्री। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या कल देखे थे हमने, कुली का एग्जांपल देखा था, ऊपर कुली है, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एंगल 90 डिग्री बनाता है, वर्क होता है जीरो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे मेरे पास होता है सन, यहाँ पे आता है मेरे पास अर्थ,
जब रिवॉल्व होता है तो ये इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और अर्थ ऐसे एसोलेटेड होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। सो और एक जीरो कैसे बनता है वर्क डन, जब वहां से शुरुआत करके वहां पे खत्म करते हैं और दोनों के बीच में का डिस्टेंस जीरो हो तो आपका वर्क डन जीरो हो जाता है, ठीक है। और सेकंड टाइम जब कब जीरो होता है, जब फोर्स और डिस्टेंस आपका क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये पूरी समरी है आपकी वर्क डन की और यहाँ पे हमारा पूरा एक वर्क का पूरा पार्ट खत्म होता है, ठीक है। चलो भाई, सो लेट्स मूव डाउन टू पावर। ओके फाइन, लेट्स गो डाउन टू द पावर। ओके, पावर इक्वल्स टू, पावर मतलब होता है गाइस वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब आपका होता है पावर, ठीक है। अभी वर्क तो बहुत कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क आता है जूल्स में और टाइम आता है सेकेंड्स में, ठीक है। तो बेसिकली इसको कैसे लिखते हैं, जूल पर सेकेंड लिखते हैं या तो फिर और इसको लिखते हैं वैट। ये तो आपने सुना होगा, तो जनरली जूल पर सेकेंड का इस्तेमाल कम करते हैं हम, ज्यादातर हम वैट का ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइन, सो ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकेंड, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, वन हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वैट होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 1 HP इक्वल्स टू 746 और यहाँ पे वैट आता है, ठीक है। ये भी आप सब लोगों को इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एक है अपने पास जो कन्वर्जन, जो वो भी पता होना चाहिए, दैट इज 1 kW, ठीक है। बिकॉज देखो ये कन्वर्जन पता होगा तो कैलकुलेशन करने के लिए काफी आसान पड़ेगा गाइस। 1 kW इक्वल्स टू 10^3 W होता है, ठीक है। ये भी आपको कन्वर्जन होना चाहिए, ठीक है। फाइन, अभी ठीक है गाइस, पहले ये पुट डाउन करो आप सब लोग, उसके बाद मुझे कुछ इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ाना छोटा सा, वो कर लो, फिर आप में डिस्कशन करेंगे। लिखते होने के बाद थम्स अप कर दो गाइस। So, हाँ बोलो स्लो का। 1 kW इक्वल्स टू 10^3 वो 3 है क्या? 3 है, 3 है वो, 3 है, 10^3 है, हाँ ये 10^3 है। क्या सबका हो गया गाइस? हो गया डन?
थम्स अप कर दो गाइस स्क्रीन पे। ओके ठीक है फाइन, सो लेट्स गो विद दिस, आगे जाना शुरू करते हैं हम। ठीक है ओके, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, आप सब लोगों को अच्छे से ध्यान देना है वो चीजों को। ठीक है सो लेट्स सी, ओके अब मेरी पूरी बात सुनो। हम यहां पे बात करने वाले किलोवाट आर की, किलो ये हमारा आई थिंक तुमने सुना भी होगा किलो वैट आर। ठीक है या तो पूरा ही लिखता हूं मैं आर। ठीक है तो इसको बेसिकली गाइस हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखो के डब्ल्यू एच ऐसे, दिस इज कॉल्ड किलो वैट आर। ठीक है अब सुनो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे ये है, एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है इस किलोवाट आर पावर, क्या किलोवाट आर पावर है या नहीं है, ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि पावर है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये पावर है या पावर नहीं है। ठीक है आपको बताता हूँ मैं। ओके चलो यहाँ पर देखते हैं पहले, 1 kilowatt hour equals to, देखो अभी हाँ 1 kilowatt, 1 kilowatt को अगर वैट में कन्वर्ट करना है तो मैंने अभी जस्ट 1 kilowatt का मैंने लिख के दिया 10^3 watt होता है राइट। तो मैं इसके जगह पे ये लिख लूंगा 1, 2, 3 और यहाँ पे वैट डाल दूंगा इनटू आर लिखा है आर। आर को 1 hour को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में तो 3600 सेकेंड्स होता है। ध्यान से देखना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बताने वाला इंपॉर्टेंट, तुम्हें ध्यान देना है इसके लिए, बिकॉज ऐसे वाले क्वेश्चन ट्रिकी वाले पूछते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ मैं। ठीक है सो ये क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स हो गया इक्वल्स टू 1000 वाट। ओके अभी यहाँ पे आप सब लोगों ने वैट लिखा है राइट। तो देखो अगर आप चेक करोगे, अगर आप जहां पे आपने जब पावर शुरू किया है वहां पे मैंने पहले ही सबसे पहले मैंने लिख के बताया आपको कि वैट मतलब होता है जूल पर सेकंड होता है राइट, ये लिख के दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे मैं जूल पर सेकंड डाल दूंगा इनटू 3600 सेकंड डाल दूंगा। देखो ये और ये कट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखो लुक इनटू दिस गाइस, मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, जूल बचा है। ठीक है एक मिनट पीछे लिखते थोड़ा सा मैं, जूल बचा है मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, देखो ये 36 है इनटू 10 कितने जीरो, देखो 1, 2, 3, 4, 5 पांच जीरो मेरे पास, पांच हाँ 10^2 क्या है मेरे पास 50 है गाइस 50। ठीक है प्लीज म्यूट रखो अपने आप को, मेरे पास कितने जीरो है 50 है गाइस यहाँ पे। ठीक है सो लुक वेरी केयरफुल इनटू दिस, रितिका म्यूट करो, हाँ म्यूट करो रितिका अपने आपको, म्यूट ही है। ओके सुनो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है देखो 36 × 10^5 जूल, जूल्स मतलब क्या होता है गाइस, एनर्जी वर्क एनर्जी राइट, मतलब ये एनर्जी है, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है 1 kilowatt hour ये पावर नहीं है, ये क्या है इट्स एन एनर्जी, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यार, एनर्जी कंसिडर कर सकते हो तुम इसको, इट्स एन एनर्जी। तो कोई पूछे इट्स नॉट अ पावर इट्स एन एनर्जी। ठीक है सो इसको और भी लिख सकते हैं गाइस, बहुत सारे लोग क्या करेंगे देखो ये जो 10^5 है ना गाइस, अगर हमने एक पॉइंट अगर यहाँ पे आके शिफ्ट कर दिया इधर तो ये ऐसा हो जाता है 3.6 × 10^6 जूल्स, ऐसा भी हो जाता है। तो 1 kilowatt hour जो आपका है उसकी वैल्यू इतनी आती है, देखो ये आती है, मतलब हमें क्या समझ में आता है, therefore kilowatt hour is an energy। ठीक है क्या आप सब लोगों को ये क्लियर हुआ है क्या जो मैंने आपको बताया, जब भी देखो ऐसे ट्रिकी वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये,
देखो आप सभी लोगों को जब टेक्स्ट बुक ओपन अप करोगे तो मैं भी आपको ये दिख सकता है कहीं ना कहीं तो, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि ये कहाँ पे आपको क्या लगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद सब ना करें, बट गाइस ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सो ऐसे ट्रिकी वाले क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है किलो वाट आर इज एन पावर और नॉट एक्सप्लेन, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आप डिराइव करके दिखाओ, वहां पता है तो जूल्स आ रहा है, जूल्स मतलब क्या होता है आपका एनर्जी होता है, मतलब किलो वाट आर इज एन एनर्जी इट्स नॉट अ पावर। ठीक है गाइस, चलो तो अगर आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया है तो प्लीज फटाफट से आपके स्क्रीन पे आप थम्स अप कर दो। ओके वेरी गुड, ठीक है फाइन। तो ये फटाफट से आपके बुक में कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी होते ही आप मुझे थम्स अप कर देना स्क्रीन पे, ठीक है फाइन, गो फॉर इट गाइस। हाँ बोलो सर, वो 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1000 वाट इनटू 3600 है ना? सेकेंड्स है, हाँ 3000 सेकेंड्स। मैं आपके लिए और क्लियर लिख देता हूँ, चलो जिसको नहीं दिखता होगा वो लिख देता हूँ वापस से मैं। इट इज 3600 सेकेंड्स, ठीक है।